हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दुगीजी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में होने वाला है डीजी टॉक सेगमेंट। एक पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं इसके ऊपर, जिसके अंदर मैं रिप्लाइज करता हूं आपके कमेंट्स के, जो टॉप कमेंट्स होते हैं या फिर जो कॉमन कमेंट्स होते हैं, और जिसके आंसर्स आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कमेंट्स चेक नहीं करते हैं तो वो इस वीडियो में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उनका मैं ट्राई करता हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका रिप्लाई करने का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एक से दो सेकंड लगते हैं, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, पहला कमेंट यहां पर है बिलाल खान का, जिसके अंदर उन्होंने बोला है वीडियो बहुत अच्छी है और बाकी वीडियोस भी बेस्ट है, सभी वीडियोस देखता हूं आपकी, मगर आपसे क्वेश्चन है कि आपका सिग्नल देने का टाइम 3 PM होता है डेली, उस टाइम आप कौन सी स्ट्रेटजी या पैटर्न यूज़ करके सिग्नल देते हो? हो सके तो भाई इस पर वीडियो बनाओ, रिक्वेस्ट है। ओके ब्रो, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट मैंने देख ली है, और जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ सिग्नल्स के टाइम पे, जो मेरे सेशंस होते हैं उसके टाइम पर, बेसिकली वो चेंज होते रहते हैं, बट नॉर्मली मेरी जो एक या दो इंडिकेटर्स जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं वो होते हैं पैराबोलिक सार प्लस जो EMA रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मेरे कांस्टेंट रहते हैं, बाकी मैं चेंज करता रहता हूँ और उनमें भी कभी चेंज करता हूँ, बट मेरे दो पर्सनल ये हैं जो मेरे को अच्छा खासा लाइक रीडिंग देते हैं ग्राफ की, मार्केट की, तो इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। सेकेंड कमेंट यहाँ पर है सुमित बनर्जी की, भैया वीक में एक दिन लाइव आइए ना हम लोगों के साथ। बिल्कुल ब्रो, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ लाइव, और मैं उसके अनाउंसमेंट भी आपको पहले कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। शिवम आर्य कमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज़ अ गुड बैलेंस फॉर यूज़ ऑफ मार्टिंगल अकॉर्डिंग टू यू? शिवम, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बैलेंस ऐसा कोई पर्टिकुलर बैलेंस नहीं होता। अगर आपका जितना भी, लेट्स सपोज आप यहाँ पर $1000 डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में, कोई एक दूसरा बंदा यहाँ पर $200 या $100 डिपॉजिट कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपका मार्टिंगल होगा। अमाउंट कितनी भी हो, बट आपका अमाउंट इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 7 to 8 स्टेप्स तक जा पाओ, 5 to 6, 7, 8 स्टेप्स तक मार्टिंगली आप जा पाओ, क्योंकि तब आपको फॉर श्योर आपको एक ना एक विनिंग ट्रेड आपको मिलेगी, और फिर वापस वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आपका प्रॉफिट भी हो जाता है, लॉस भी रिकवर हो जाता है। तो एटलीस्ट आपकी 5 to 6, 7 आपकी मार्टिंगल स्टेप्स फॉलो करने की आपकी अमाउंट होनी चाहिए, और अमाउंट कम रखो। अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप जो ट्रेड अमाउंट है वो आप कम रखो। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आती है ट्रेंड कॉल की, भाई मैं स्टॉक मार्केट में इतना मैं ट्रेड करता हूँ, यदि इसमें ट्रेड करूँ तो डेली प्रॉफिट होने पर बायनमो अकाउंट ब्लॉक तो नहीं करेगा? ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं जो वॉयलेट हो, मतलब ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आप वॉयलेट नहीं कर रहे हो तो आपकी अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं अकाउंट ब्लॉक होने के, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जो रीजंस होते हैं, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आती है RN फेडेड। ओके ब्रदर, जब आप ट्रेड करते हो मोस्टली हमें ये दिखता है कि आप जीत रहे हैं, बट जब हम लोग करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम मोस्टली हार जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, जब मैं भी ट्रेड करता हूँ जो मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस रहती हैं आप देखते होंगे, उसके अंदर जो मेरी लॉस ट्रेड्स रहती हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ आपको विनिंग ट्रेड्स ही दिखा रहा हूँ या फिर मैं लॉस ट्रेड को स्किप कर दे रहा हूँ या कट कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी सारी ट्रेड्स रहती हैं मैं आपको सब दिखाता हूँ, कभी मेरे 1 से 2 लॉस होते हैं, कभी 3 लॉस होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ट्रेड करता हूँ तो विन होता है आप तो लॉस, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, किस टाइम पर आप ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम पर मार्केट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है कश्मीरी कल्चर की, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम इट टेक फॉर विड्रॉ इन स्टैंडर्ड पेमेंट, इज दिस ऐप रियली गिविंग विड्रॉ? सबसे पहले तो आपको कश्मीरी कल्चर आपको ये विड्रॉल देता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको विड्रॉल नहीं मिलता, तभी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। जो स्टैंडर्ड टाइप है, स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप है, वहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 3 to 4 days आपको लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता, 3 to 4 days में आपका विड्रॉल आ जाता है। अकॉर्डिंगली अगर आपका गोल्ड स्टेटस है तो आपका 1 to 2 days में आता है, VIP है तो 4 hours में आता है, तो वो आपका डिपेंड करता है अकाउंट के ऊपर। और अगर आप पेमेंट मेथड अगर आप यूज़ करते हो इंडियन एक्सचेंजर, तो उससे ज़्यादा जल्दी आपका आएगा विड्रॉल, ये भी एक चीज़ है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। भाई SNR के ऊपर वीडियो लाओ, भाई मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, पहले से मैंने एक अपलोड कर रखी है, आगे मैं डिटेल में भी लेकर आऊँगा, बट फिलहाल के लिए आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। भाई आप बायनोमो मार्केट की न्यूज़ कहाँ से देखते हो? शिवम आडे, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, बायनोमो पहली बात तो एक मार्केट नहीं है, इट्स अ ब्रोकर जिसके अंदर अलग अलग करेंसीज होती हैं जिनका आप ट्रेड करते हो, उन करेंसीज की न्यूज़ चेक करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, इन्वेस्टोपीडिया, investing.com, मैं पर्सनली investing.com पर न्यूज़ चेक करता हूँ, और मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है मेरी बेसिक टू एडवांस जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर, सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि कैसे न्यूज़ को चेक करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट भाई अपना न्यू अकाउंट भी दिखा दो, आप कितना बैलेंस है आपका? ओके
सो इंस्टाग्राम रील्स यहाँ पर उस अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं जो मैंने बेसिक टू एडवांस जब सीरीज स्टार्ट करी तब मैंने अकाउंट क्रिएट करा था। इसके अंदर मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट करे थे विद 100% बोनस। तो दोस्त उसके अंदर अभी अराउंड 31-32,000 के आसपास का अमाउंट हो चुका है और नॉर्मल अमाउंट से मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर वो अगर आपने बोला है तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो अकाउंट। ओके सर मैं 7000 डिपॉजिट प्लस 100% बोनस कितना टर्नओवर करना होगा प्लीज रिप्लाई। ओके गांव वाला यहाँ पर अगर आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो अगर उसके ऊपर आप 100% बोनस ले रहे हो लेट्स सपोज आपने 7000 बोला है तो 7000 के ऊपर आपका 100% बोनस मतलब यहाँ पर आपका 40 का लीवरेज लगेगा मतलब 7000 × 40 अगर यहाँ पर आप देखो तो आपका 280,000 के अराउंड आपका यहाँ पर टर्नओवर होगा। तो यूजुअली टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए टर्नओवर को ध्यान में रखें और तभी बोनस लें। अगर आप नहीं कर पाए टर्नओवर पूरा तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा इसलिए आप बिल्कुल भी बोनस ना लें अगर आप टर्नओवर कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अगर आप सीखने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बट विड्रॉल आपको तभी मिलेगा जब आप टर्नओवर कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अंकुर धीमान का सर इज इट पॉसिबल टू मेक बाइनरी ट्रेडिंग एज अ एडिशनल इनकम सोर्स। यस आप बिल्कुल ले सकते हो मैं यही बोलता हूँ हमेशा कभी भी इसको एज अ करियर मत देखो आप एडिशनल इनकम सोर्स लो यहाँ से आप वाइजली प्रॉफिट लेकर जाओ। आपका मंथली आप इजीली 30-40,000 अगर आप एक आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट है लाइक 7000 का 10000 का वहाँ से आप इजीली 30-40,000 आप मंथली लेकर जा सकते हो। बस आप ये मत सोचो कि इससे मैं करियर बनाऊंगा एंड इसी के ऊपर टोटली डिपेंड होगा एडिशनल इनकम के ऊपर ही रहो। ओके नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर Shah95 का प्लीज़ पुट इंग्लिश सबटाइटल बिगेस्ट रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन ये कमेंट जो मेरे को बहुत से लोगों का भी आया है पहले भी जो तमिलनाडु से हैं या फिर बेसिकली जो आउट ऑफ इंडिया इंडोनेशिया से दोस्त मेरे को एक्चुअली नहीं पता है कि कैसे सबटाइटल्स लेकर मतलब सबटाइटल्स कैसे वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली लेते हैं। जो ऑटो सबटाइटल का ऑप्शन है यूट्यूब के ऊपर उसके अंदर इतना करेक्शन नहीं आता इतना करेक्ट सबटाइटल्स नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा अलग सबटाइटल्स आते हैं और जो मैनुअली सबटाइटल्स फिल करना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको कुछ पता हो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं सबटाइटल्स लेकर आऊँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके नेक्स्ट यहाँ पर भरत आशीवाल का हाउ सर हाउ कैन आई ज्वाइन योर डेली सेशंस प्रॉफिट। ब्रदर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे मेरा डायमंड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर मैं बायनमो के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ तो वो भी आप जाकर देख सकते हो वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर। नेक्स्ट है आदित्य रंजन सर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या डायमंड सिग्नल ग्रुप या डायमंड सिग्नल ग्रुप खत्म हो गया। ब्रदर ये खत्म नहीं होता ये आपका लाइफ टाइम रहेगा अगर आप एक बार ज्वाइन हो चुके हो तो आपका लाइफ टाइम आप उसके अंदर ज्वाइन रह सकते हो जब तक आप लीव ना करो और इसकी कोई चार्जेस नहीं आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रकाश जाला का कमेंट है डिगिंग सिंह ओके आप पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हो बट ठीक है यार ये तो बताओ कि मोबाइल से बायनमो ऐप में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं प्लीज। ओके सो प्रकाश यहां पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो मोबाइल में ऑब्वियसली आपके पास ड्रॉइंग का ऑप्शन नहीं होता है बट आपको जो प्राइजेस की लाइंस होती हैं वहां से आप इसको आपको रफ आइडिया लेना होता है और आप ग्राफ को जूम आउट करके देख सकते हो कि कौन सा सपोर्ट फॉलो हो रहा है कौन सा रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ड्रॉ मोबाइल ऐप में नहीं कर सकते आपको उसके लिए पीसी यूज ही करना पड़ता है। भाई मेरी ईमेल आईडी में नाम अलग है और रियल नेम अलग है क्या मैं विड्रॉल ले सकता हूँ या कोई प्रॉब्लम आ सकती है प्लीज़ बता दो भाई। अगर आपकी राठौड़ साहब अगर आपकी ईमेल आईडी में नाम अलग है और रियल नेम अलग है कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी ईमेल आईडी किसी भी नाम से हो सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रियल नेम क्या है तो आप इजीली ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका पेमेंट मेथड जो आपके नाम पे होना चाहिए मतलब लेट्स सपोज आपका बैंक है तो आपको बैंक अकाउंट आपके नाम पर होना चाहिए तो वो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कल्पना पटेल एंड्रॉइड में मोमेंटम का इंडिकेटर नहीं आ रहा है प्लीज़ रिप्लाई। ओके जो मेरी ये स्ट्रेटजी वीडियो थी उसके अंदर जब मैंने मोमेंटम RSI और CSI यूज़ करा था तब का ये कमेंट है एंड्रॉइड में नहीं आता है जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके अंदर मोमेंटम का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आप कर क्या सकते हो आप मोमेंटम को हटाओ बट जो बाकी RSI एंड CSI जो हैं वो दोनों आपको सिग्नल देने चाहिए। इन केस ऑफ मोमेंटम RSI एंड CSI आपको 2 out of 3 देना चाहिए था सिग्नल बट यहाँ पर अगर तीनों भी देते तब भी अच्छा था बट यहाँ पर आपको दोनों को देना पड़ेगा तभी आपको ट्रेड प्लेस करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विवेक यादव का बायनमो में अकाउंट वेरिफिकेशन करना जरूरी है क्या सर प्लीज़ बताओ। बिल्कुल ज़रूरी है अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो आपको अकाउंट वेरीफाई करना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी होता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता अकाउंट को वेरीफाई होने में आजकल 10 से 15 मिनट लगते हैं। सिंचन गेमिंग भाई अगर महीने का 1,00,000 तक कमा लूँ तो किसी लीगल चक्कर में तो नहीं फंसूंगा। ओके ये भी बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स है कॉमेंट इस टाइप के आते हैं जनरली। सो अगर आप बायनमो से आपकी जो इनकम होती है अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम मतलब ज़्यादा आपकी लैक्स में ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं तब तक आपको पहली बात तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है। उसके बाद अगर आपकी लैक्स में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तब आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट
सो बेसिकली आपको आपके जो भी बैंक के रिलेटिव्स हैं जो भी रहते हैं बैंक से, आप ये क्वेरी कर सकते हो कि मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर रख सकता हूँ कि जहाँ तक मेरे ऊपर क्वेश्चन ना हो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, एक लिमिट होती है जहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट उसके ऊपर अगर ट्रांजेक्शन जाएंगे तब आपको फिर ऑब्वियसली बैंक वालों को जवाब देना पड़ेगा। प्रो ब्लाकिया का कमेंट है, भाई अगर हम हर रोज गूगल पे आईडी लॉगिन और साइन आउट करें तो हमारी आईडी को बैन तो नहीं लगेगा? अगर आप सेम आईडी और सेम जो सेम आईडी पासवर्ड अगर आप लॉगिन करते हो, भले आप 10 बार करो 20 बार करो, तब अकबर कोई भी आपके अकाउंट के ऊपर दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप दो आईडीज को मल्टीपली, आप कभी एक आईडी को लॉगिन कर रहे हो कभी दूसरी आईडी को लॉगिन कर रहे हो, तो यहां पर प्रॉब्लम है। आपके एक ही आईपी में अलग अलग आईडीज आप लॉगिन लॉग आउट कर रहे हो बार बार, तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। मधुसूदन सिंह का कमेंट है यहाँ पर, डॉजी में मना कर ले शेडो में सजेशन। ओके, ये मेरी यहाँ पर लास्ट वीडियो जो ट्यूटोरियल के ऊपर थी, ट्यूटोरियल 4 आई गेस, जिसके अंदर मैंने बताया था कि डॉजी कैंडल्स के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वो तो ऑब्वियसली है। और शेडो में कैसे करना है आपको, वही मैंने बताया। बेसिकली लेट्स सपोज आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है और आपको मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, शेडो दे रहा है ऊपर की तरफ से, ज़्यादा बढ़िया अगर आपको शेडो मिलती है तो आपको फॉर श्योर नेक्स्ट ट्रेड के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। तो इस तरीके से आपको शेडोज का यूज करना, वो मैंने डिटेल में बताया, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तंजीरो सामा का कमेंट है, ब्रो इफ वी डोंट हैव मोमेंटम व्हाट टू यूज। ओके, ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। सर रिस्क फ्री ट्रेड लेने के लिए वॉलेट में बैलेंस होना जरूरी है क्या? अकाउंट अगर जीरो हो तो रिस्क फ्री ट्रेड ले सकते हैं क्या? सैयद यूनस, रिस्क फ्री ट्रेड्स आपको आपका अगर आप वीआईपी अकाउंट रहता है बायनो में तभी आपको मिलती हैं, प्लस आप वो जो आपका पर्सनल मैनेजर है उसको बोल के आप रिस्क फ्री ट्रेड्स आपके अकाउंट में करवा सकते हो। प्लस आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा ट्रेड्स आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उतने ही अमाउंट की जो रहती हैं रिस्क फ्री ट्रेड्स आपके अकाउंट में मिलेंगी। शिवम आडे, कोई बायनोमो के लिए बुक्स है तो बता दो। बुक्स बहुत है गाइस, यहाँ पर आपको बायनोमो के स्पेशली कोई बुक्स नहीं है यहाँ पर, बट आपको ट्रेडिंग के लिए बुक्स बहुत मिल जाएंगी। बुक्स आप फॉलो कर सकते हो बट डिपेंड नहीं होना बुक्स के ऊपर। बुक्स के आपको किताबी नॉलेज मिलेगी बट आपको प्रैक्टिकली नॉलेज आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी, तो वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, क्लैश क्विड किंग सार्थक, सर आपकी ऐप से मंथली प्रॉफिट कितना होता है, ऑनेस्ट बोलना। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं कभी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से या फिर फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसा कमा रहा हूँ या फिर सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अलग अलग सोर्सेज से पैसा ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं अर्न कर सकूँ, और उसी के बेसिस पे कभी फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे होता है, वो सारा वेरिएशंस होती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी एक फिक्स अमाउंट है। ओके, हर्षिता भाई, तुम्हारा नाम दिग्विजय बट रियल अकाउंट में तो ट्रिपल एस शो हो रहा है, यू आर यूजिंग अकाउंट ऑफ समबडी एल्स। नहीं, मेरा नाम ही लाइक ट्रिपल एस मेरा रियल नेम है, उसका फुल फॉर्म है अलग, और दिग्विजय भी मेरा ही नाम है। ओके, अबे रौत, आपको कितने पैसे मिलते हैं बायनोमो प्रमोशन करने का? ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत बार देखने को मिला है अपनी वीडियोस के नीचे, एंड इसका मैं रिप्लाई आज इसलिए देना ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियोस देखो, जो बेसिकली यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा अगर वो कोई प्रमोशन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म का तो उनको पेड प्रमोशन इंक्लूड करना पड़ता है अपनी वीडियोस में यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं किया अपनी, अभी मैंने जितनी भी वीडियोस है 50-60 वीडियोस उसके अंदर किसी भी वीडियो में मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं किया। मेरे पास, अगर किसी को जानना हो पर्सनली मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन आए हैं लाइक रमी के एंड जो गेम्स हैं उनसे खेल के पैसा कमाने के, बट मैं वो चीज़ आपको सजेस्ट नहीं कर सकता इसलिए मैंने वो प्रमोशंस नहीं करे। ठीक है, कुछ जेन्युइन प्रमोशंस भी आए हैं बट मेरे को नीड नहीं लगी उन चीज़ों की। सो गाइस, प्रमोशंस मैं अभी तक नहीं करता हूँ, अभी तक मैंने कोई प्रमोशन ऐसा नहीं करा है, और अगर कोई फ्यूचर में ऐसा अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आएगा, ऐसा कुछ आएगा जिसका आप लोगों को नुकसान नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप लोगों को उससे फायदा होना चाहिए, तो वो अगर होगा तो मैं ऑब्वियसली प्रमोशन करूंगा, बट अभी तक मैंने नहीं करा है। और मेरी सारी वीडियोस मैक्सिमम बायनोमो के लिए, बायनोमो ऐसा नहीं है कि बायनोमो मेरे को पेड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बायनोमो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें होती हैं कनेक्शंस के ऊपर, तो कनेक्शंस अगर मेरे प्लेटफॉर्म के किसी लोगों से हैं तो फिर मैं आपके लिए वो हेल्पफुल हैं। ठीक है, आई विश यू ब्रो 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड गॉड ब्लेस यू ब्रो। थैंक यू ब्रो अजाम राइडर 86, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोगों का प्यार ही चाहिए, और ऐसे ही आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो लोग नए हैं अभी तक, अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जो अजाम राइडर है इनकी रिक्वेस्ट को मानिए, तभी 1 मिलियन होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ओके गाइस, तो ये था हमारा डिजिटॉक सेशन जिसके अंदर मैंने ट्राई करा आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करने का, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, ताकि आप लोग जिन्होंने कमेंट्स नहीं देखे होंगे उनको भी इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा।
सो गाइज अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो अभी कभी ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल ग्रुप का कैसे ज्वाइन होना है उसको भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज ऐसी ही बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अभी के लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।